नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री जी चैनल की रोजगार सीरीज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें आप बहुत थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी बचत ले सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस है फोटो फ्रेम मेकिंग का बिजनेस। इस बिजनेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, या ये कहें कि इस बिजनेस की डिमांड हर जगह है। इस बिजनेस से बना हुआ प्रोडक्ट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब तक ये बिजनेस पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से हो रहा था। पुराने ट्रेडिशनल तरीके से जो फ़ोटोज़ के फ्रेम बनते थे वो लकड़ी से बनते थे, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि लकड़ी का घुन जाना, उसमें दीमक लग जाना, कुछ समय बाद मॉइस्चर की वजह से वो फ़ोटो फ्रेम्स तिरछे भी पड़ जाते थे और वो फ्रेम लकड़ी के होने की वजह से बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते थे, इसलिए हर कस्टमर उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था और उन फ्रेम्स की डिमांड बहुत कम थी, सेल बहुत कम थी। लकड़ी के चटक जाने की वजह से, फूल जाने की वजह से, घुन जाने की वजह से या टेढ़ा पड़ जाने की वजह से उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकल जाती थी। इस वजह से फ्रेम्स को बनाने वाले को बेनिफिट बहुत कम होता था और पुराने तरीके से बिजनेस करने से मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी, प्रोडक्शन बहुत कम निकल के आता था। इस वजह से वो फ्रेम बनाने वाले को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता था। उसके बाद आपने मार्केट में देखा होगा कुछ नए फ्रेम आए हैं प्लास्टिक के। प्लास्टिक के फ्रेम होने की वजह से हर कोई व्यक्ति उनको पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि वो दूर से ही देखने में लगता है अरे ये तो प्लास्टिक के हैं। दूसरा, उनका साइज़ भी बहुत छोटा होता है, इसलिए उनका मार्केट बहुत लिमिटेड है। अब हम जिन फ्रेम्स की बात करने वाले हैं वो फ्रेम बने होते हैं सिंथेटिक पीएस मोल्डिंग से। ये फ्रेम देखने में सेम लकड़ी के जैसे लगते हैं, लेकिन ये लकड़ी के नहीं होते, ये सिंथेटिक पीएस मोल्डिंग्स के बने हुए होते हैं। पीएस मोल्डिंग्स के बने होने की वजह से इनमें डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा आती हैं, वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं और इन सिंथेटिक पीएस मोल्डिंग की कीमत लकड़ी की अपेक्षा कई गुना सस्ती पड़ती है। ये लकड़ी की तरह ना तो फूलते हैं, ना घुनते हैं, ना चटकते हैं। इन फ्रेम्स में किसी भी तरह का समय के अकॉर्डिंग तिरछापन भी नहीं आता। इन फ्रेम्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बजट में आने की वजह से इनकी सेल्स भी कई गुना बढ़ जाती हैं। और ये सिंथेटिक पीएस के बने होने के कारण इनमें सैकड़ों नहीं हज़ारों तरह की डिजाइंस आती हैं। उसके अलावा आप जो भी मोल्डिंग ले रहे हैं चौड़ाई के अकॉर्डिंग उसमें भी कई सारे वेरिएशन आ जाते हैं, जैसे आधा इंची, पौन इंची, एक इंची, इससे लेकर तीन इंची तक दसियों वैरायटी हैं चौड़ाई के मामले में। इस वजह से इसका मार्केट और ज़्यादा बढ़ जाता है, डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को इतनी सारी डिजाइंस मिलती हैं देखने को, इतने सारे साइजेस मिलते हैं देखने को, तो वहाँ चूज़ करना भी आसान होता है और वहाँ परचेजिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा ये फ्रेम्स तैयार होते हैं नई हाईटेक मशीनों से, इससे इन फ्रेम्स का प्रोडक्शन पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पीएस मोल्डिंग के फ्रेम्स बनाए किस तरह जाते हैं, इनको बनाने के लिए कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत होती है, क्या रॉ मटेरियल लगता है और जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो उसको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किस तरह सेल कर सकते हैं, और सबसे एंड में कि इस बिजनेस को करने से हमारा बेनिफिट कितना होगा। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि फोटो फ्रेम्स बनाए किस तरह जाते हैं। तो फोटो फ्रेम बनाने के लिए जरूरत होती है सिंथेटिक पीएस मोल्डिंग्स की। चौड़ाई के हिसाब से ये पीएस मोल्डिंग्स कई सारी चौड़ाई में अवेलेबल रहती हैं और उसके अलावा डिज़ाइन के अगर अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसमें सैकड़ों हज़ारों डिज़ाइंस आती हैं। आपके एरिया में जैसी भी डिज़ाइन चलती हो आप वो डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं और आप उसके फ्रेम्स बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो फ्रेम्स बनाने के लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कटर का यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन इसके द्वारा थोड़ा सा वेस्टेज ज़्यादा जाती है, समय भी एक्स्ट्रा लगता है। इसके अलावा इसकी जो नई प्रेस कटिंग मशीन आई है वो बहुत शार्प रहती है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वेस्टेज भी नहीं जाती और उसकी एजेस भी बहुत शार्प रहती हैं। इसमें बस फ्रेम रखकर फुट प्रेस के थ्रू उसको प्रेस किया जाता है और फ्रेम्स की कटिंग कर ली जाती है। आप जिस साइज का भी फोटो फ्रेम बनाना चाह रहे हैं उस साइज के अकॉर्डिंग इसका ब्लेड बहुत ही शार्प होता है, वेस्टेज इसमें बहुत कम जाती है, एक्यूरेसी भी करेक्ट रहती है क्योंकि इसमें स्केल लगा हुआ रहता है और इससे बहुत ही आसानी से आपके फ्रेम्स की कटिंग हो जाती है। कटिंग के बाद नंबर आता है आपके फ्रेम्स को ज्वाइंट करने के लिए। ज्वाइंट करने के लिए अगर आप सोच सस्ते में काम करना चाह रहे हैं
तो आप हैंड स्टेपलर का यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने फ्रेम्स को स्टेपल कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रेस स्टेपलिंग मशीन के थ्रू इसको बहुत ही आसानी से उसको स्टेपल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ नहीं, अपने फ्रेम्स को सेट करना होता है और नीचे की तरफ से इसमें पंच लगे हुए रहते हैं जो आपके फ़ोटो फ्रेम को पूरी तरह से स्टेपल कर देते हैं। इसके द्वारा स्टेपल किया गया फ़ोटो फ्रेम बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़ जाता है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही प्रेशर के थ्रू फ़ोटो फ्रेम को आपस में अटैच कर दिया जाता है। जब हमारा फ़ोटो फ्रेम बनकर तैयार हो जाता है फिर नंबर आता है ग्लास कटिंग का। आपने जिस साइज़ का भी फ़ोटो फ्रेम बनाया है आप उसकी लंबाई और चौड़ाई लेकर 2 mm का ग्लास, ज़्यादातर 2 mm का ग्लास ही यूज़ होता है फ़ोटोज़ फ्रेम में, और ग्लास की कटिंग करके आप अपने फ़ोटो फ्रेम में सेट कर सकते हैं। फ़ोटो फ्रेम में ग्लास सेट करने के बाद बोर्ड सेट करना होता है। बोर्ड की भी कटिंग आपने सेम जिस साइज में ग्लास की कटिंग की है उस साइज में बोर्ड की भी कटिंग की जाती है। इसके अलावा बोर्ड पर हुक लगाने के लिए हुक मशीन का यूज़ किया जाता है। अगर मशीन के थ्रू आप हुक्स अटैच करते हैं उनका अटैचमेंट बहुत अच्छा रहता है और बोर्ड पे पूरा प्रेशर आ जाता है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ती है मैनुअल टैप गन की। टैप गन के थ्रू आपका जो भी शीशा लगा है, बोर्ड लगा है, उसको रोकने के लिए टैप्स बोर्ड में लगाए जाते हैं जिससे कि आपका शीशा और बोर्ड आपके फ्रेम से निकले नहीं। ये मशीन बहुत फास्ट तरीके से काम करती है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे बहुत ही आसानी से ये टैप्स लगा देती है। अगर आप माउंट वाले फ्रेम बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए माउंट कटिंग मशीन आती है। माउंट वाले फ्रेम्स महंगे जाते हैं और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह करके फ़ोटो फ्रेम्स रेडी हो जाते हैं सेल करने के लिए। अब हम देखते हैं कि फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए किस किस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सा रॉ मटेरियल हमें किस रेट पर मिल जाएगा। फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होती हैं मोल्डिंग्स। आपको दिखाने के लिए हम आ चुके हैं इंडिया मार्ट की साइट पर। यहाँ से आपको सारे डीलर्स के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, कुछ मोल्डिंग्स के आपको रेट भी पता चल जाएंगे, लेकिन मोल्डिंग्स में बहुत वैरायटी आती हैं तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप एक बार डीलर से कॉन्टैक्ट करके उनके पास जाएँ, मोल्डिंग्स का रेट लें, उसकी डिज़ाइंस देखें, तब आप उसको सेलेक्ट करें। अब मोल्डिंग्स को अटैच करने के लिए हम आते हैं मशीन की ओर। जैसे ये मशीन आपको मिल रही है 63,500 की, ये शार्प कटिंग मशीन है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और ये बहुत ही फास्ट तरीके से काम करती है। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक कटिंग मशीन भी ले सकते हैं। ये मशीन मात्र 5,500 रुपीज़ की आ रही है। इसमें बस ये है कि थोड़ा सा वेस्टेज ज़्यादा होती है और थोड़ा सा मशीन ये शोर भी करती है, लेकिन काम को स्टार्ट करने के लिए ये मशीन भी बहुत सही है। फ़ोटो फ्रेम्स को आपस में अटैच करने के लिए अंडरपिनिंग मशीन, ये देखिए आप, 29,100 रुपीज़ की है और ये फुट प्रेस के थ्रू चलती है। इन सारी मशीन का लिंक्स मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ती है डुअल मैनुअल टैप गन की। ये मशीन मात्र 2,900 रुपये की है। इस मशीन के थ्रू आप अपने फ़ोटो फ्रेम्स में टैप्स लगा सकते हैं। अगर आपको माउंट वाले फ़ोटो फ्रेम्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको ये माउंट कटिंग मशीन लेनी पड़ेगी। ये भी बहुत सस्ती रेट में मात्र 3,000 रुपये की मशीन आ रही है, जिससे कि आप अपने माउंट्स की कटिंग कर सकते हैं और आप अपने फ़ोटो फ्रेम्स को बहुत ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं। आपको बोर्ड कटिंग के लिए बोर्ड कटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये मशीन हम आपको दिखा रहे हैं। ग्लास आप अपने लोकल मार्केट से ही परचेज़ कर सकते हैं। ग्लास कटर आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ़ोटो फ्रेम मेकिंग का बिजनेस आप अपने बजट के अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप अपने प्रोडक्शन की स्पीड से ज़्यादा आप उसकी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। आपकी क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी मार्केट में उसकी डिमांड उतनी ही अच्छी ज़्यादा बनती जाएगी। फ़ोटो फ्रेम्स बनाने के लिए आप कई तरह की, कई डिज़ाइंस की पीएस मोल्डिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टार्टिंग में आप जो हैंडमेड ऑपरेटेड मशीन है उनको यूज़ कीजिए। वो ऑटोमेटिक मशीन की अपेक्षा काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। आप उनसे फ्रेम बना सकते हैं और अपने लोकल मार्केट में उनको सेल कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ गिफ्ट शॉप्स हो गई, फ़ोटो स्टूडियो शॉप हो गई। उसके अलावा अगर आप चाहें तो मार्केट में अपना एक खुद का भी स्टोर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने द्वारा बनाए हुए सारे पीएस मोल्डिंग्स की डिज़ाइन रख सकते हैं, जहाँ से आप अपने माल को थोक और फुटकर दोनों तरीके से सेल कर सकते हैं। और फिर जब आपकी सेल अच्छी होने लगे तो आप ऑटोमेटिक बड़े साइज़ की मशीन लगा सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाएगा और आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में आसानी से डिलीवर कर पाएंगे। इसके अलावा जो नई डिमांड आ रही है वो आ रही है माउंटिंग वाले फ़ोटो फ्रेम्स की। माउंटिंग वाले फ़ोटो फ्रेम्स में एक्स्ट्रा पेपर माउंट लगा होने की वजह से ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और इसी अट्रैक्शन की वजह से इनकी सेल भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है।
उसके अलावा आप अपने शॉप पर या फिर आप अपने प्रोडक्शन में कुछ LED लाइटिंग वाले फ्रेम्स भी यूज कर सकते हैं। इनकी भी डिमांड इस समय कुछ ज़्यादा है। उसके अलावा दोस्तों, आप जब फ्रेम बना ही रहे हैं तो आप अपने फ्रेम्स के साथ साथ कुछ फ़ोटोज़ भी परचेज करके, कुछ रिलीजन से रिलेटेड फ़ोटो हो गए, जैसे कुछ धार्मिक फ़ोटो हो गए, भगवान के फ़ोटो हो गए या फिर कुछ आस्था से रिलेटेड फ़ोटो हो गए, आप उन फ़ोटोज़ को लगाकर अपने फ्रेम को कंप्लीट रेडी कर सकते हैं। इस तरह के फ्रेम्स की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है और ये फ्रेम्स आपके बहुत आसानी से सेल भी हो जाते हैं। अभी कुछ नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें कुछ ट्रेंडिंग से रिलेटेड, जैसे कि कुछ नेचर से रिलेटेड कुछ अच्छा स्लोगन लिखा है वो वाले फ़ोटोज़ और भी कुछ ट्रेंडिंग फ़ोटोज़ आप अपने फ्रेम्स में लगाकर उनको डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बना हुआ माल नेशनल लेवल पर सेल हो तो आप अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू किसी भी ऑनलाइन शॉप जैसे Amazon, Flipkart, Snapdeal या और भी कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिखने की वजह से आपकी सेल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, ऑनलाइन सेलिंग का बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिमांड है कोलार्ज फ़ोटोज़ की। कोलार्ज फ़ोटोज़ वो फ़ोटोज़ होते हैं जिसमें अलग अलग साइज के कई सारे फ़ोटो फ्रेम्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि दीवार पर एक स्पेशल पैटर्न में टांगे जाते हैं, जिससे वो दीवार बहुत सुंदर लगने लगती है और फ़ोटोज़ तो बहुत सुंदर लगते ही हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि जब आप कोलार्ज फ्रेम्स बेचेंगे तो आपका एक नहीं, एक साथ आपके 8, 10 या जो भी आपका कॉम्बो पैक है, आपके उतने फ्रेम्स एक साथ सेल हो जाएंगे और आपका बहुत अच्छा बेनिफिट देके जाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस में बेनिफिट 4 से लेके 6 गुना तक है और इस बिजनेस को आप बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। स्केलेबिलिटी की बात की जाए तो इस बिजनेस में स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसी तरह के नए क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ को जानने के लिए बने रहिए हमारे श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज के साथ। फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।